में आपको हल्की फुल्की भूख में खाया जाने वाला बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनाना बताती हूँ। कैसे बनाया जाता है, इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। चाय के साथ खाने में भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए ये हमने एक कप चावल लिए, जिसे हमने 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धोया। धोने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया, जिससे कि चावल फूल जाए। अब ये चावल फूल गए हैं। देखिए हम चावल को दबा रहे हैं तो ये इजीली दब रहे हैं। चावल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। 2 मीडियम साइज के आलू, जिसे हमने बॉईल करके छील लिया है। ये हमने मिक्सी का जार लिया है, चावल का पानी निकाल दिया है। अब चावल को हम इस जार में डालेंगे। अब हम आलूओं को हाथ से इस तरीके से फोड़ते हुए चावल के अंदर डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे छोटे पीस में काट लिया है, जिसे पीसने में आसानी रहेगी। 4 से 5 लहसुन की कलियां, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ी सी प्याज भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे। अब हम सभी चीजों को मिक्सी से पीस करके महीन पेस्ट बना लेते हैं। अब ये महीन पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस टाइप का पेस्ट चाहिए। देखिए हमें इस टाइप का पेस्ट चाहिए। आप जब भी पेस्ट बनाए एक चीज का ध्यान रखें कि आप इसके अंदर ज्यादा पानी का यूज ना करें। अगर आप ज्यादा पानी का यूज करेंगे तो पेस्ट पतला हो जाएगा, फिर नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बाय चांस आपका पेस्ट पतला हो जाता है तो आप 1-2 टीस्पून चावल का आटा या आप सूजी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस बैटर को इस बॉल में निकाल लेते हैं। अब हम इस नाश्ते को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए कुछ मसाले का यूज करेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी यूज किया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप मिर्च का यूज करें। 1 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, हींग से फ्लेवर अच्छा आएगा और नाश्ता खाने में भी टेस्टी लगेगा। नमक टेस्ट के अनुसार। इस नाश्ते में चटपटा टेस्ट आए इसके लिए हम 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप 1 टीस्पून अमचूर, जिसे खटाई बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हरा धनिया। अब हम सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अब ये बैटर बनके तैयार हो गया है, बस हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। चलिए अब नाश्ता बना लेते हैं। हम इस नाश्ते को बनाने के लिए इस टाइप की पॉलीथीन की थैली का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास इस टाइप की पॉलीथीन नहीं है तो आप दूध की जो थैली होती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक ग्लास लेंगे और इस ग्लास में हम इस पॉलीथीन को लगा देंगे। हमें इस तरीके से पॉलीथीन को ग्लास में लगाना है। अब हम इसके अंदर बैटर भर लेते हैं। और इस तरीके से पॉलीथीन को फोल्ड कर लेते हैं। देखिए ये हमने बैटर भर लिया है। अब हम ऊपर की साइड रबर बैंड लगा देते हैं। देखिए हमें इस तरीके से रबर बैंड लगानी है। चलिए अब नाश्ता बना लेते हैं। मैंने नाश्ते को तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये ऑयल गरम हो गया है, हमें मीडियम गरम ऑयल चाहिए। अब हम थैली को नीचे से काट लेते हैं। चलिए अब नाश्ता तल लेते हैं। हम इस नाश्ते को इस तरीके से लंबा लंबा बनाएंगे।
अगर ये टेढ़े मेढ़े बनते हैं तो कोई बात नहीं, ये देखने में भी सुंदर लगेंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है, अब हम इनको तलने देते हैं। जब ये हल्के गोल्डन कलर के हो जाएंगे इसके बाद हम इनको पलटेंगे। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही तलना है जिससे कि ये क्रिस्पी बने। अब ये हल्के गोल्डन कलर के हो गए, अब हम इनको पलट देते हैं। आप देख पा रहे हैं ये गोल्डन कलर के हो गए और क्रिस्पी भी हो गए, अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया तले हैं। अब मैं आपको सुना भी देती हूँ कितने क्रिस्पी बने। देखिए लग रहे हैं ना कितने सुंदर। अब हम इसमें और डाल देते हैं। अब हम इनको भी बिल्कुल उसी तरीके से तल लेंगे जैसे हमने पहले तले थे। अब ये भी तल गए हैं, हम इनको भी निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया तल के तैयार हुए हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी बने। बने हैं ना कितने क्रिस्पी। इस तरीके से हम सभी बना के तैयार कर लेंगे। अब ये सभी बन के तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और करारे बने। देखिए आप देख पा रहे कितने क्रिस्पी और करारे बने। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बने। आप भी इनको बनाइए, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आप देख पा रहे हैं ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, उससे ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। आप इनको एक बार जरूर बनाइएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इनको और भी ज्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर चाट मसाला, मैगी मसाला या पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, और आप चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खाने में ये टेस्टी लगते हैं। आप चाहते हैं इन्हें एयरटाइट डिब्बे में भर करके महीनों रख सकते हैं और जब भी खाने की इच्छा है आप निकाल करके खा सकते हैं। लेकिन बनते इतने टेस्टी है कि इतने दिन चलते ही नहीं है, ये तो तुरंत बनाते ही खत्म हो जाते हैं। आप इनको बनाइए फिर मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आपके घर ये कितने दिन चले। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।